नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा है कि इस वक्त हमारे देश में 30% यानी करीब 40 करोड़ की जनसंख्या के पास स्वास्थ्य बीमा का प्लान नहीं है। ये संख्या योजना में अंतर या फिर तमाम योजनाओं में ओवरलैप के कारण और ज्यादा हो जाती है। नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि सस्ते बीमा उत्पादों की कमी की वजह से सस्ता प्रीमियम चुकाने की क्षमता रखने के बावजूद इन 40 करोड़ भारतीयों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। रिपोर्ट में इन्हें मिसिंग मिडिल कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, मिसिंग मिडिल एक व्यापक श्रेणी है जिसमें स्वास्थ्य बीमा की कमी है। ये वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत संपन्न संगठित क्षेत्रों के बीच वाले लोग हैं। राज्य सरकार की योजनाएं 50% गरीब आबादी यानी करीब 70 करोड़ व्यक्तियों को अस्पताल में इलाज के लिए व्यापक कवरेज देती है। करीब 20% आबादी या फिर 25 करोड़ व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिए कवर किए गए हैं। शेष 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। नीति आयोग ने कम लागत वाले स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता का सुझाव दिया है। नीति आयोग ने कहा है कि अगर भारत को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य हासिल करना है तो कम प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने होंगे। नीति आयोग ने कहा है कि कम सरकारी खर्च की वजह से सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और उसकी क्वालिटी बाधित हुई है। भारत के स्वास्थ्य बीमा पर पेश की गई नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर लोगों को 2/3 महंगे निजी क्षेत्र में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आबादी के निचले 50% यानी कि 70 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती पर बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इसके अलावा 20% आबादी यानी करीब 25 करोड़ लोग सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी वॉलंटरी स्वास्थ्य बीमा के द्वारा कवर किए गए हैं। आयोग ने कहा कि बाकी 30% आबादी किसी तरह के बीमा कवरेज के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मौजूदा कवरेज दायरे में जो अंतराल है और योजनाओं के बीच जो ओवरलैप है, उसकी वजह से वास्तविक रूप तक सभी लोगों तक इस बीमा की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। रिपोर्ट में आरोग्य संजीवनी पर एक अच्छे प्रोडक्ट या सुधार को डिजाइन करने का सुझाव दिया गया है। इससे नए प्रोडक्ट सभी बीमारियों को जल्द से जल्द कवरेज प्रदान कर पाएंगे। आयोग ने कहा है कि आरोग्य संजीवनी को 1/3 से आधी कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। इसकी कीमत वर्तमान में 12,000 रुपए है। 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए ये स्कीम लागू होती है। इसका मतलब ये है कि इसे 2,000 रुपए में पेश करना चाहिए। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह ही कुछ और स्कीम्स ला सकती है। केंद्र सरकार का ध्यान इस वक्त उन 40 करोड़ लोगों पर है जिनका कोई भी बीमा नहीं है। इसके लिए सरकार 21 इंश्योरेंस कंपनियों पर विचार कर रही है जो कि सस्ती दरों पर इन लोगों को बीमा करा सके। इस प्रोग्राम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाने और कुछ चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले सरकार को मजबूत नियामक तंत्र के माध्यम से ग्राहकों के विश्वास और स्वास्थ्य बीमा के विश्वास में सुधार करना चाहिए। दूसरा, बीमाकर्ताओं और डिस्ट्रीब्यूशन लागत को कम करने के लिए सरकारी डेटा मदद कर सकता है। आयोग ने कहा है कि सरकार आंशिक रूप से वित्त या स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर सकती है। इसमें कहा गया है कि मध्यम आबादी के सबसे गरीब क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवरेज का विस्तार करने की जरूरत है। सरकार का मानना है कि अगर इन लोगों को इंश्योरेंस नहीं दिया गया और अगर इन्हें कोरोना महामारी हो गई तो फिर इनके और ज्यादा गरीब हो जाने के चांसेस हैं। साथ ही कोई और बीमारी अगर इनको हो जाती है तो इलाज पर इनका बहुत सा पैसा खर्च होगा और इनकी जमा पूंजी भी खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सर्वे की रिपोर्ट को माने तो देश में 57% महिलाओं ने हेल्थ पॉलिसी खरीदी हुई है। 10 में से 8 महिलाओं का हेल्थ इंश्योरेंस है और 10 में से 7 महिलाएं अगले 6 महीने में हेल्थ पॉलिसी खरीदने का विचार बना रही हैं। ये बात देश के 21 शहरों की 547 महिलाओं के ऑनलाइन सर्वे में सामने आई है। 98% महिलाओं का मानना है कि पीरियड्स, हार्मोनल इश्यूज, पीसीओडी ट्रीटमेंट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जुड़ी मानसिक बीमारियों
और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं पर केंद्रित इंश्योरेंस प्लान होने जरूरी है। विमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। निजी क्षेत्र की प्रमुख बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के सर्वे के अनुसार कोविड के बाद की दुनिया में स्वस्थ रहने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। इसमें हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेकर लोग सजग हुए हैं, लेकिन पैसे की कमी एक बड़ी बाधा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक भारत में लोगों के जीवन काल या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में लगभग 2 साल की कमी आई है। इस स्टडी में लोगों के जीवन काल में असमानता की अवधि पर गौर किया गया है। इस स्टडी में पाया गया है कि भारत में कोरोना काल के दौरान 35 से 69 साल के बीच के लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई है। साल 2020 में दूसरे आयु वर्गों के मुकाबले 35 से 79 साल के लोगों की मौतें जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।